जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में, आज के व्रत के बारे में और आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 23 मई 2022 दिन सोमवार। सोमवार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होगी सुबह 11:36 तक। आज के दिन मासिक श्री शीतला अष्टमी का व्रत किया जाएगा और त्रिलोकीनाथ अष्टमी का व्रत किया जाएगा, जो कि बंगाल में त्रिलोकीनाथ अष्टमी का व्रत किया जाता है। सूर्योदय सुबह 5:10 और सूर्यास्त शाम 6:40। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे रात्रि 12:51 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे दोपहर 12:17 पे। सूर्य वृष राशि में रहेंगे और चंद्रमा कुंभ राशि में। यह ग्रीष्म ऋतु है, अयन उत्तरायण रहेगा। योग वैधृति योग रात्रि 1:06 तक, उसके बाद विष्कुंभ योग। करण कौलव करण सुबह 11:34 तक, उसके बाद तैतील करण। नक्षत्र की बात करें तो शतभिषा नक्षत्र रात्रि 10:22 तक, उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। दिशाशूल की बात करें तो आज सोमवार दिन होने के कारण आज के दिन दक्षिण पूर्व और अग्नेय दिशा की यात्रा न करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से दर्पण देखकर बाहर निकले, इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज सोमवार का दिन है तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करें तो लाभकारी होगा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला अर्पित करें, बिलपत्र भांग धतूरा शमी पत्र चढ़ाएं, भगवान शिव जी को तुलसी मंजरी अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, शिव स्तोत्र आदि का पाठ करें या सोमवार व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें तो यह बड़ा ही लाभकारी होगा। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा सुबह 6:51 से सुबह 8:33 तक। गुली कालम समय होगा दोपहर 1:36 से दोपहर 3:17 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:28 से सुबह 8:32 तक। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया 7 प्रकार की होती है, जिसमें से कि 4 शुभ चौघड़िया मुहूर्त और 3 अशुभ चौघड़िया मुहूर्त। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जो कि अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 5:09 से सुबह 6:50 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:32 से सुबह 10:13 तक। उसके बाद चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:36 से दोपहर 3:17 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:17 से शाम 4:58 तक। उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 4:58 से शाम 6:39 तक। तो यह थी दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 6:39 से शाम 7:58 तक। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 10:36 से रात्रि 11:54 तक। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 1:13 से रात्रि 2:32 तक। उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 2:32 से रात्रि 3:51 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 3:51 से सुबह के 5:09 तक।
तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2079 रक्षा है और शक संवत 1944 शुभ कृत। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।